लोकसभा चुनावों के सेकेंड हाफ की शुरुआत आज भी थोड़ी धीमी रही है। आज शाम 7 बजे तक तीसरे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 63% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से इस बार 6.1% कम है। इस समय पिछली बार इन्हीं 96 सीटों पर 69.1% वोटिंग हुई और उससे पहले वर्ष 2014 में भी इन सीटों पर 69.1% मतदान ही हुआ था। हालांकि इस बार के आंकड़े शाम 7 बजे के हैं, इसलिए ये वोटिंग प्रतिशत अभी कम से कम 4% और बढ़ सकता है और इस हिसाब से तीसरे चरण में लगभग 67% वोटिंग इस बार हो सकती है चौथे चरण में, जो पिछली बार से 2% कम होगा। इस बार सबसे ज्यादा 76% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है, 69% मध्य प्रदेश में, 68.5% आंध्र प्रदेश में, 64% उड़ीसा में, 64.1% झारखंड में और 62% वोटिंग तेलंगाना में हुई है, जबकि सबसे कम 37% वोटिंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, 53% महाराष्ट्र में, 56% बिहार में और 58% उत्तर प्रदेश में हुई है। पिछले चरणों की तरह इस बार भी सबसे कम मतदान उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में ही हुआ है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों की 31 सीटों पर 56.8% मतदान हुआ, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटों पर 65.25% मतदान हुआ है, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल की 8 और उड़ीसा की 4 सीटों पर 70% मतदान हुआ है और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर 53% मतदान हुआ, जो अंतिम आंकड़ों में 56% तक पहुंच सकता है। इस बार बीजेपी को दूसरे चरण की 96 सीटों में से जिन 42 सीटों पर जीत मिली थी पिछली बार, उनमें 23 सीटों पर वोटिंग कम हुई है, जबकि 19 सीटों पर इस बार पहले से ज्यादा मतदान हुआ और ये सीटें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में है। इसी तरह कांग्रेस पिछली बार जिन 6 सीटों पर जीती थी, उनमें 2 सीटों पर कम मतदान हुआ है, जबकि 4 पर पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। आज कश्मीर में श्रीनगर के लोगों ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 1996 के बाद आज पहली बार श्रीनगर सीट पर 37% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से लगभग 23% ज्यादा है। यह बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। पिछली बार यानी पिछले चुनाव में इसी श्रीनगर में सिर्फ 14.43% वोटिंग हुई थी। 2014 में यहां 25.8% हुई थी। वर्ष 2009 में 25.6% हुई थी, लेकिन इस बार शाम 7 बजे तक श्रीनगर में 37% वोटिंग हो चुकी है और इन चुनावों में श्रीनगर के लोग आज ही जीत चुके हैं। यानी ये जो जीत है, उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ये जीत श्रीनगर के लोगों की है, ये जीत भारत की है। और ये तस्वीरें आज इस बात का भी सबूत हैं कि कश्मीर के लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं और ये तस्वीरें आज पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। तो ये थी श्रीनगर की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आज आपको यह एहसास होगा कि कैसे वहां पर स्थिति बदल रही है। अब आपको ये बताते हैं कि चौथे चरण के मतदान का एग्जिट विश्लेषण क्या है और इस चुनावी फिल्म के सेकेंड हाफ की शुरुआत आज क्या कह रही है। इंटरवल से पहले इस चुनावी फिल्म की कहानी काफी स्लो चल रही थी, इसमें एक्शन की काफी कमी लग रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद फर्स्ट हाफ की तुलना में सेकेंड हाफ में इस फिल्म की कहानी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी अब आ गया है और अब धीरे धीरे इस फिल्म का क्लाइमेक्स काफी नजदीक आ रहा है। क्लाइमेक्स होगा 4 जून को, जिससे लोग अब इसकी वजह से अगर आप इस चुनावी फिल्म को देख रहे हैं तो अब जनता कुर्सी पकड़कर बैठ गई है, क्योंकि अब उन्हें मजा आने लगा है।
अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि वाकई देश में चुनाव हो रहा है, क्योंकि चुनाव की गति जो है अब बढ़ गई है, अब इस चुनाव ने गति पकड़ ली है। और जो चुनाव पहले चरण में साइलेंट वोटिंग के साथ शुरू हुए थे, उन चुनावों में अब लोगों का उत्साह अब बढ़ रहा है और वो उत्साह आपको दिख रहा है। तो कई बार आप देखते हैं जब फिल्मों को, तो बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो इंटरवल से पहले बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी कहानी एकदम तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन इंटरवल के बाद बड़ी बोरिंग हो जाती है। बहुत सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जिसमें फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में कहानी जो है वो पिक कर लेती है, तेजी से आगे बढ़ती है। और ऐसी तो बहुत ही कम होती है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड हाफ दोनों अच्छा हो। ये जो इस बार की फिल्म है चुनाव की, इसमें फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो रहा, लेकिन अब सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है इंटरवल के बाद। और आज जो सेकेंड हाफ में पहले चरण का मतदान आप मान लीजिए, वो काफी बेहतर रहा। अगर पूरी फिल्म को दोबारा से हम देखें एक बार, एक थोड़ा सा रिप्ले आपके लिए मैं करूं, तो पहले चरण में 6.11% वोटिंग कम हुई थी पिछली बार के मुकाबले, दूसरे चरण में 5.75% कम हुई, तीसरे चरण में भी 1.2% वोटिंग कम हुई थी, और अब चौथे चरण में आज पिछली बार से लगभग 1.5 से 2% वोटिंग कम हो सकती है। इससे यह पता चलता है कि यह चुनाव काफी कंफ्यूजिंग है, जिसमें वोटर्स का व्यवहार हर चरण के साथ शायद बदल रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चुनाव है। पहली जब साइलेंट था तो ऐसा लग रहा था कि ये साइलेंट है, लोग बता नहीं रहे हैं। अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा चुनाव है। दूसरा, चौथे चरण की वोटिंग के बाद आज दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए हैं, और पिछली बार बीजेपी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य को अनलॉक नहीं कर पाई थी, और दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों की 84 सीटों में से उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। जिस तरह दक्षिण भारत की फिल्में हिंदी भाषी राज्यों में अक्सर हिट हो जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषी फिल्में डबिंग के बाद भी दक्षिण भारत के इन राज्यों में ज्यादातर हिट नहीं हो पाती, उसी तरह बीजेपी की ये जो फिल्म है अब तक दक्षिण भारत के बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के इन राज्यों में बड़ी मेहनत की है, और इसे जो बीजेपी है उसने अपनी रणनीति से बदलने की कोशिश की है स्थिति को। तो आप इस बार अगर फिल्मी अंदाज में मैं कहूं तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार जो फिल्म बनाई है वो दक्षिण भारत के लिए उन्होंने अलग अलग भाषाओं में इस हिंदी फिल्म को उन्होंने डब करके दक्षिण भारत के राज्यों में रिलीज किया है। तो ये हिंदी फिल्म है जो पहले दक्षिण भारत में चलती नहीं थी, इस बार उस फिल्म में थोड़े बदलाव किए गए हैं और उसे दक्षिण भारत के राज्यों के अलग अलग भाषाओं में डब करके बीजेपी ने रिलीज किया है। अब ये डबिंग वाला वर्जन दक्षिण भारत के राज्यों में लोगों को पसंद आएगा या नहीं, और बीजेपी की ये जो फिल्म है ये पैन इंडिया सुपरहिट होती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा इस बार विश्लेषण का विषय रहने वाला है, क्योंकि अभी तक ये जो फिल्म थी ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही सुपरहिट होती थी। इस बार इस हिंदी फिल्म को डब करके दक्षिण भारत में रिलीज किया गया है, और बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से रिलीज किया है, यानी लगभग हर थिएटर को उन्होंने टच करने की कोशिश की है, हर थिएटर में रिलीज करने की कोशिश की है। तो इस बार यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दक्षिण भारतीय रूप है ये दक्षिण भारत के लोगों को कैसा लगा, और बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि उनकी ये फिल्म दक्षिण भारत में बहुत अच्छा करेगी। उदाहरण के लिए पिछली बार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, और बीजेपी ने राज्य की 25 में से 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी का TDP के साथ फिर से गठबंधन हो गया और वो यहां सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आंध्र प्रदेश की राजनीति से यह पता चलता है कि राजनीति में कभी कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। पिछले चुनावों से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू चले गए थे, इस चुनाव के ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू वापस आ गए हैं। तीसरी बात, चौथे चरण की वोटिंग के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत की हो रही है, क्योंकि 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी इस भीषण गर्मी के बावजूद हर दिन औसतन 2 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, और उनकी मेहनत को देखकर गर्मी के भी पसीने छूट गए हैं। इस भीषण गर्मी में जब हमारे देश की ज्यादातर माएं अपने बच्चों से यह कहती हैं कि वो इस भीषण गर्मी में घर से बाहर ना निकलें क्योंकि उन्हें लू लग सकती है, जब लोग आपस में भी, आप भी अपने परिवार में लोगों को कहते होंगे कि इतनी गर्मी हो रही है ध्यान से बाहर निकलिएगा या घर से बाहर मत निकलिए,
क्योंकि गर्मी लग जाएगी। ऐसे में जब लोग गर्मी की वजह से घरों से बाहर नहीं निकलते, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा दिया है, और इस बात को आप उनके आज के कार्यक्रम से समझ सकते हैं। आज का एक दिन अगर आप ले लें केस स्टडी के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह पटना के इको पार्क में एक के बाद एक 3 इंटरव्यूज दिए, जिनमें एक इंटरव्यू उन्होंने आज तक को भी दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज इसी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी काफी समय तक रहे सुबह सुबह, जिस भी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देना था सबको यहीं बुला लिया। इसके बाद वो पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने लंगर सेवा की और दरबार में माथा टेका, वहां पर भी काफी काम किया, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कई इंटरव्यू सुबह देने के बाद फिर देखिए यहां सेवा कर रहे हैं। गुरुद्वारे में सेवा करने के बाद उन्होंने बिहार के हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में और सहारनपुर में 3 रैलियां और जनसभाओं को संबोधित किया, और इन रैलियों के बाद वो बिहार से आज शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 6 किलोमीटर लंबा एक बहुत ही भव्य रोड शो किया, और अब भी वो वाराणसी में इस समय भी हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और कल इसी सीट से लगातार तीसरी बार वो अपना नामांकन भरेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमने आपको सिर्फ उनका एक दिन का कार्यक्रम दिखाया, जिसमें सुबह सुबह उन्होंने ढेर सारे इंटरव्यू किए, उसके बाद वो गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ लंगर सेवा करते हैं, उसके बाद 3 रैलियां करते हैं, फिर वाराणसी आते हैं, वाराणसी में इतना लंबा चौड़ा रोड शो करते हैं, और उसके बाद वहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं, और इस दौरान दिन भर में प्रधानमंत्री की 4 से 5 लैंडिंग होती हैं, जहाँ वो हवाई जहाज से जब नीचे उतरते हैं या जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, तो उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके सामने खड़े होते हैं। रैलियों से जब बाहर निकलते हैं, स्टेज के पीछे भी बड़ी संख्या में लोग खड़े होते हैं, तो कम से कम दिन भर में 500 से ज़्यादा ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ वो हाथ मिलाते हुए, जिनसे मिलते हुए पर्सनली वो आगे जाते हैं। अब तक लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में देश की 543 में से 378 सीटों पर, यानी लगभग 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पिछली बार बीजेपी को इन 378 सीटों में से 205 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी।
अगर बीजेपी अपनी पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब होती है तो उसे आने वाले तीन चरणों की 164 सीटों में से सिर्फ 67 सीटें जीतनी होंगी, जबकि कांग्रेस अगर अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराती है तो वो आने वाले तीन चरणों की सभी सीटें जीतकर भी 272 सीटों पर नहीं पहुंच सकती। यानी अगर अब कांग्रेस हर बॉल पर भी एक रन बनाए तब भी वो नहीं चुनाव जीत पाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी अपने दम पर। शायद यही वजह है कि अभी हर कोई बीजेपी की सीटों का विश्लेषण कर रहा है और हर कोई यह बता रहा है कि बीजेपी इन चुनावों में कितनी सीटें जीत सकती है या कितनी जीत रही है, पहले से ज्यादा, पहले से कम, पहले के बराबर। पूरे देश में यही चर्चा है कि बीजेपी की कितनी सीटें हैं, एनडीए 400 पार करेगा या नहीं, बीजेपी 370 पर है, 300 पर है, कितनी सीटें जीतेगी। लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा कि इन चुनावों में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है, कांग्रेस कितनी सीटें पार कर रही है या विपक्ष का इंडिया गठबंधन कितनी सीटें पार कर रहा है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, इस बार भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब चर्चा इस बात पर आ जानी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं और कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है। और बहुत सारी, असल में ये चुनाव जो है वो बयानों के नीचे दब गया है और शायद जनता भी उन बयानों को क्वेश्चन नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं जिस दिन से जेल से आए हैं कि वो देश में चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे और जब वो सरकार उनकी बन जाएगी तो वो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया कि उन्होंने 10 गारंटी भी दे दी है कि अगर मेरी सरकार बनी तो ये 10 गारंटी हम देंगे। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम ये कर देंगे। अरविंद केजरीवाल तो यहां तक ये भी कह रहे हैं कि अगर लोगों ने अच्छा वोट दिया उनको तो फिर उन्हें जेल ही नहीं जाना पड़ेगा, जबकि कोई यह नहीं पूछ रहा उनसे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अगर वो 22 की 22 सीटें भी जीत जाती है तो भी वो सरकार कैसे बनाएंगे। इसी तरह डीएमके भी 22 सीटों पर, आरजेडी 26 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर, कांग्रेस भी 328 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने अब तक यह नहीं बताया कि 328 में से उसकी कितनी सीटें आ रही हैं। और पांचवां पॉइंट यह है कि चुनावों के सेकेंड हाफ की शुरुआत कुछ ऐसी घटनाओं से हुई जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। उदाहरण के लिए चौथे चरण की वोटिंग से पहले पटना में एक रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल था। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, उनके हाथ में देखिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इन तस्वीरों को शुरुआत में लोगों को देखकर यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों पर कि क्या यह भी संभव है जब नीतीश कुमार अपने हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार एक जमाने में खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते थे, जो एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच तक साझा करने के खिलाफ रहते थे और कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी को बिहार में रैलियां नहीं करनी चाहिए शुरुआत में, वही नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल ऐसे हाथ में लेकर हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी रोड शो करते हैं हमने देखा है कि जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसे में बिहार की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती है और हमने 2019 के चुनाव में भी देखा जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी ही आगे निकलकर सामने आई थी और अब की बार भी ये देखने को मिल सकता है जब चार